पंचायत चुनाव में नवनिर्वाचित हुए जनप्रतिनिधियों का सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। गोमो तोपचाची प्रखंड अंतर्गत नवनिर्वाचित पंचायत के जनप्रतिनिधियों का गोमो के पुरानी बाजार स्थित विश्व प्रोकी हाई स्कूल हॉल में स्वागत समारोह का आयोजन किया गया। इस प्रोग्राम में बतौर मुख्य अतिथि उपस्थित झारखंड सरकार के खेल चयन समिति सदस्य अजमूल भाई के द्वारा तोपचाची प्रखंड के चुने हुए मुखिया, पंचायत समिति सदस्य और वार्ड सदस्य को फूलों की माला पहनाकर एवं शाल उड़ाकर सम्मानित किया गया। इस दौरान अजमूल भाई ने कहा कि इस बार के पंचायत चुनाव में 28 पुराने मुखिया में 24 नए मुखिया चुनकर आए हैं, जो युवा मुखिया हैं। हम सभी जनप्रतिनिधियों से उम्मीद करते हैं कि यह लोग समाज में बेहतर काम करेंगे और भ्रष्टाचार से मुक्त करेंगे। जीतपुर पंचायत के नवनिर्वाचित युवा मुखिया जाबिर अंसारी ने कहा कि आज का दिन काफी खुशी का रहा है। हमारे एक आवाज पर हम सभी के भाई अजमूल भाई गोमो चले आए और पंचायत चुनाव में जीते हुए सभी जन प्रतिनिधियों को सम्मानित किया है। हम लोग को सबको मिलकर काम करना चाहिए।
आज इस सम्मान समारोह के जरिए से बहुत कुछ सामने निकल करके आया है। मैं इस क्षेत्र में लगातार यहाँ के युवाओं के प्रति जब जब मुझे याद किया गया, मैं यहाँ के लोगों के लिए मैं हमेशा खड़ा रहने का काम किया है। अब यहाँ हमारा सरकार है, मैं खेल विभाग में हूँ और दो तीन सब यहाँ निकल के आया है हमारे मुखिया की तरफ से कि टोकचाची प्रखंड में और खास करके यहाँ के युवाओं में जो खेल के प्रति एक रुचि एक प्रतिभा जो दिखाई देती है, मैं इससे मैं वाकिफ हूँ क्योंकि काफी वर्षों से मैं इस क्षेत्र में आता रहा हूँ। यहाँ के लोगों ने जो सम्मान दिया है तो मैं खेल के प्रति जो यहाँ एक स्टेडियम का जो एक सवाल आया था हमारे अजमत भाई के जरिए से इस सोचाची प्रखंड में एक स्टेडियम होना चाहिए, तो मैं विश्वास दिलाता हूं कि आप लोग टोकचाची प्रखंड के मुखिया समिति वन अगर हमारे साथ रांची जाते हैं तो माननीय खेल मंत्री हफीज हसन से मिल करके हम लोग यहाँ के लिए प्रस्ताव देंगे और उम्मीद मानिए कि यहाँ पर हम लोग एक स्टेडियम बनाएंगे। पहले भी हमारे माननीय खेल मंत्री हफीज हसन जी यहाँ पर आए थे नारूडी में, तो मैं उनको पहले भी अवगत कराया इस समस्या से कि इस क्षेत्र में काफी प्रतिभा लोग हमारे युवा साथी हैं जिसको हम लोग को उभारने की जरूरत है और मैं उसको अपने जरिए से हमेशा मैं अपना वक्ता में कहता आया हूं कि मेरा जब भी जरूरत पड़ेगा उस क्षेत्र में आगे बढ़ने का मैं हर संभव प्रयास करूंगा और उनको आगे बढ़ाने का काम करूंगा। क्योंकि हमारे मुखिया जी जो है बड़े
या सौरभ यहाँ पे एक बात बोले कि जो सम्मानित कर रहे हैं इससे देखिए एक तो मनोबल बढ़ता है। समाप्ति का घोषणा करता हूं। धन्यवाद।